जय हिंद दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ महाराष्ट्र पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2019-20 के बारे में, जो कि रिसेंटली जारी की गई है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में एक एक करके पूरी जानकारी देने वाला हूँ। पर दोस्तों उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि ये जानकारी उन सभी लोगों तक पहुँच जाए जो लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं या फिर जो लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं पूरी जानकारी। यहां पर दोस्तों सबसे पहले आप इसके बारे में शॉर्ट इंफॉर्मेशन जान लीजिए। बोर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंडिया पोस्ट है, यानी कि ये भर्ती इंडिया पोस्ट के द्वारा कंडक्ट की जा रही है। एडवर्टाइजमेंट नंबर इसके ये है, जो कि आप यहां पर चेक कर पा रहे हो। डेजिग्नेशन यानी कि किन पदों पर यह भर्ती निकाली गई है, तो यह भर्ती पेंटर, स्टाफ कार ड्राइवर एंड डिस्पैच राइडर के लिए निकाली गई है। जो वैकेंसी इसके अंदर 5 है। मंथली पे सैलरी आपको जो दी जाएगी वो 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये दी जाएगी। वर्क लोकेशन आपकी नागपुर महाराष्ट्र रहने वाली है, यानी कि आपका सिलेक्शन हो जाने के बाद आपकी पोस्टिंग नागपुर महाराष्ट्र के अंदर होगी, पर इसमें ऑल इंडिया से कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। क्लोजर डेट यानी कि कब तक आप आवेदन कर पाओगे, तो आप 15 जनवरी 2020 शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट indiapost.gov.in और इसी वेबसाइट के माध्यम से आपको अप्लाई करना होगा। अब मैं आपको सीधा इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर ले चलता हूँ। यहाँ पर इन तीनों पोस्ट के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन जारी किए गए, मैं आपको एक एक करके उन तीनों नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी दे देता हूँ। दोस्तों अभी जो आप ये नोटिफिकेशन वीडियो में देख पा रहे हो, ये आपका स्टाफ कार ड्राइवर के लिए, आप ऊपर चेक कर सकते हो। एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम दी एलिजिबल इंडियन सिटीजन फॉर दी फॉलोइंग पोस्ट, यहाँ पर किस कैटेगरी के लिए कितने पद वो आप चेक कर पा रहे हो। जो आपकी अंतिम तिथि है फॉर्म को भेजने की, वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। और सैलरी आपको क्या दी जाएगी वो भी आप यहाँ पर चेक कर पा रहे हो। आपकी जो एज लिमिट रहने वाली है वो 18 से 27 साल रहेगी। इसके अलावा SC ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर देख लीजिए, जो कि इस भर्ती की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है। आपके पास यहाँ पर एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इसके अलावा नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म की आपको होनी चाहिए। एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग लाइट एंड हैवी मोटर व्हीकल्स एटलीस्ट 3 ईयर, यानी कि आपके पास 3 साल का ड्राइविंग का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। साथ ही आपके पास 10वीं पास की योग्यता होनी चाहिए। अब आती है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, ये है आपकी। इसमें आपसे 3 ईयर सर्विस एज होमगार्ड या फिर सिविल वॉलंटियर, यानी कि आपका इन सब के अलावा या तो होमगार्ड होना चाहिए जिसमें कि आपने 3 साल की सर्विस की हो, या फिर आप सिविल वॉलंटियर्स होने चाहिए। जो आपका पीरियड ऑफ प्रोबेशन यानी कि जो आपका एक कॉन्ट्रैक्ट रहेगा इस भर्ती का, वो 2 साल का रहने वाला है। अगर इसके बाद आपका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा लगा तो इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहने वाला है। आप यहाँ पर सिलेक्शन देख सकते हो कि किस तरह से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। बेसिकली आपसे इसमें ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा और जो बाकी की जानकारी है वो आप यहाँ पर डिटेल्ड में पढ़ सकते हो। और दोस्तों आपको नीचे की तरफ इसी नोटिफिकेशन में इसका एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, जो कि आपको फिलअप करके भेजना होगा। जो ऊपर दिया एड्रेस है इस एड्रेस के ऊपर, और अगर आप ये चाहते हैं कि फॉर्म फिलअप कैसे करना है इसके बारे में मैं आपके लिए डिटेल्ड में वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे इस वीडियो में कमेंट के माध्यम से बोल सकते हैं, तो मैं आपके लिए अगली वीडियो फॉर्म फिलअप की बना दूंगा। अब दोस्तों दूसरे नोटिफिकेशन पर चलते हैं। यह है आपका दूसरी पोस्ट, जो कि है आपकी पेंटर स्किल्ड आर्टिसन, जो कि आपका OBC कैटेगरी के लिए निकाली गई है। यहां पर जो आपको सैलरी दी जाएगी वो आप चेक कर सकते हो। एज लिमिट आपकी यहां पर 18 से 30 साल के बीच रखी गई है। इसके अलावा SC ST को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट भी दी जाएगी। एजुकेशनल और अदर क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर चेक कर पा रहे हो। आपके पास टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से एक सर्टिफिकेट होना चाहिए रिलीवेंट ट्रेड के अंदर, या फिर आपके पास 8 स्टैंडर्ड पास्ट विद एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर इन रेस्पेक्टिव ट्रेड आपके पास होना चाहिए। यहां पर आपको पीरियड ऑफ प्रोबेशन 1 ईयर रहने वाला है। सिलेक्शन के बारे में आप यहां पर जानकारी चेक कर सकते हो और नीचे आपको उसका एप्लीकेशन फॉर्म भी देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों आपका तीसरा नोटिफिकेशन है डिस्पैच राइडर के लिए। इसके लिए भी एक पद है, जो कि UR कैटेगरी के लिए है। एज लिमिट आप यहां पर चेक कर सकते हो, और इसमें जो आपसे क्वालिफिकेशन मांगी है वो है आपका पोजेशन ऑफ ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव ऑल दी 3 टाइप्स ऑफ व्हीकल सच एज मोटरसाइकिल, 3 व्हीलर एंड लाइट मोटर व्हीकल। ये आपसे क्वालिफिकेशन मांगी है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है यहां पर आपकी ए पास इन 8 स्टैंडर्ड, यानी कि आपका 8वीं पास होना जरूरी है। और रिक्रूटमेंट का जो मोड रहेगा वो आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहने वाला है, जिसका सिलेक्शन के बारे में डिटेल्ड में जानकारी आप यहां पर चेक कर पा रहे हो। और नीचे दोस्तों आपको उसका एप्लीकेशन फॉर्म सेम तरीके से मिल जाएगा, जो कि आपको फिलअप करके भेजना है। तो दोस्तों ये थी आपकी महाराष्ट्र पोस्ट ऑफिस नई भर्ती 2019-20 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ ज्ञानदेव होस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा
दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।